नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन के इस वीडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं सोप आपका अपना दोस्त, आपका और आपके परिवार का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो होगा आपका बहुत फायदा। सटतिला एकादशी, जाने क्या होता है एकादशी का व्रत। दोस्तों, आप भगवान विष्णु जो की सृष्टि के संचालन करता है उनके बारे में जानते ही होंगे। अगर आपको अपने जीवन में खुशहाली लानी है और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करनी है तो आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक माह की दो तिथियों को एकादशी का व्रत मनाया जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। अगर आप इसके विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो जरूर बना दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके नाम पर व्रत रखा जाता है। व्रत की कथा भी सुनाई जाती है। आपको यह जानना जरूरी है कि एक साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास का समय आता है जिसे हम मल मास भी कहते हैं तो संख्या साल में 26 हो जाती है। दोस्तों, इन 26 एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार और व्रत पांचांग हिंदू कैलेंडर पर आधारित होते हैं। इसी तरह एकादशी का व्रत भी हिंदू कैलेंडर की तिथियों के अनुसार ही होता है। इसमें कुल मिलाकर 24 या फिर 26 एकादशी व्रत होते हैं। इन एकादशी व्रत के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: पहला कामता एकादशी, दूसरा वरुथनी एकादशी, तीसरा मोहिनी एकादशी, चौथा अपरा एकादशी, पांचवा निर्जला एकादशी, छठा योगिनी एकादशी, सातवा देवस्यानी एकादशी, आठवा कमिका एकादशी, नौवा पुत्रादि एकादशी, दसवा अजा एकादशी, ग्यारहवा परिवर्तनी एकादशी, बारहवा इंदिरा एकादशी, तेरहवा पापकुंसा एकादशी, चौदहवा रमा एकादशी, पंद्रहवा देव प्रबोधिनी एकादशी, सोलहवा उत्पना एकादशी, सत्रहवा मोचिता एकादशी, अठारहवा सफला एकादशी, उन्नीसवा उत्तरादा एकादशी, बीसवा सटतिला एकादशी, इक्कीसवा जया एकादशी, बाईसवा विजया एकादशी, तेईसवा आमलकी एकादशी, चौबीसवा पाप मोचनी एकादशी, पच्चीसवा पद्मिनी एकादशी और छब्बीसवा परमा एकादशी है। दोस्तों, आज सटतिला एकादशी है, तिथि 28 जनवरी 2022। आज मैं आपको इसके विषय में पूरी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ कि यह त्यौहार या यह एकादशी का व्रत क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के क्या फल होते हैं। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का भोग लगाया जाता है। जो सटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं वे काले तिल के 6 प्रकार के उपाय करके इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और भगवान विष्णु की बुद्धि पूर्वक पूजा करते हैं। इसीलिए इसे सटतिला एकादशी व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस पूजा में तिल का बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के बाद सटतिला एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी पूजा और व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि आखिर इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ हो सकता है। इस व्रत को करके आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि हम इंसान ज्यादातर वक्त ऐसा देखते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट या गलत हो रहा होता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करें। तो आपको भी सटतिला एकादशी व्रत करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपकी सारी कठिनाई दूर कर दें और आपके जीवन में खुशहाली लाए। दोस्तों, इस एकादशी व्रत करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक फायदा यह है कि अगर आप इस एकादशी व्रत को करते हैं तो सबसे पहले तो आप निरोगी हो जाएंगे। अगर आप निरोगी रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएंगी। आपके द्वारा जाने अनजाने में अगर कोई पाप कर्म हो जाता है जो आपकी जानकारी में नहीं रहते हैं तो आप इस व्रत को करने से उस पाप कर्म के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप भगवान से जो भी प्रार्थना करेंगे सच्चे मन से करेंगे तो वह कार्य आपका बहुत जल्द सफल हो जाएगा।
इस व्रत को करने से जो अविवाहित जातक होते हैं उनके विवाह संबंधी जो बाधाएं आती हैं वे भी दूर हो जाती हैं और घर में धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। इस व्रत को करते समय जिन सावधानियों को आपको रखना है उनका भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, अन्यथा आपको उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। सबसे पहले दोस्तों, सरतुला एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को कभी भी उस दिन बैंगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एकादशी या किसी भी एकादशी की तिथि पर आपको जरूर करनी चाहिए वह है आपको बिस्तर पर नहीं सोना है। आप कोशिश करेंगे कि आप जमीन पर सोएं। साथ ही साथ मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन भूल कर भी न करें और स्नान और नित्य क्रम को पूरा करने के बाद ही किसी प्रकार का आहार ग्रहण करें। तो दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने ये जाना कि सप्तशृंगी एकादशी का व्रत करने के क्या फायदे होते हैं और वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं दोहराना है या जिन गलतियों को आपको नहीं करना है, और आपको इस व्रत को करने के बाद इसका पूरा का पूरा फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कॉमेंट करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।